हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और आप सबका फिर से मेरे न्यू ब्लॉग में स्वागत है। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 6 और जो भी घर की साफ़ सफाई थी सब हो गया है और मैं नहा के आ गई हूँ पूजा करने के लिए। तो आज दिन है गुरुवार का और तारीख है 5 और आज जितिया का नहा खा है। तो इस बार जितिया 2 दिन हो गया है, कुछ कल नहा के खाएँगे। और झारखंड में तो आज ही नहा खा है और मेरे तरफ से सभी माताओं को जितिया व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। सभी माताएं अपने पुत्र के स्वास्थ्य और मंगल के लिए व्रत करती हैं। जितिया व्रत में 24 घंटा का फास्टिंग होता है। ये थोड़ा कठिन व्रत है लेकिन सभी माताएं अपने बच्चे के लिए करती हैं। तो मेरा पूजा हो गया है और मैं शिव जी की पूजा कर रही हूँ। तो चलिए अब चलते हैं किचन में, जो भी काम है फटाफट कर लेते हैं। तो आप भी दर्शन कर लीजिए मेरे भगवान से। तो फाइनली मेरा पूजा पाठ हो गया है और अब जा रही हूँ चाय बनाने के लिए। चाय बनाती हूँ, बाप पीते हैं और आप दूध चढ़ा दी हूँ और मेरा चाय बन गया है। तो अब मैं जा रही हूँ पीने और इनका किनका चाय से दिन शुरू होता है कमेंट में जरूर बताइएगा। तो मैं आप सबसे चाय पीने के बाद मिलती हूँ। दूध चढ़ा के चले गए थे चाय पीने, तब तक इधर दूध गिर गया है, कम करना भूल गए थे। वीडियो के कारण कितना बार मेरे साथ ऐसा हुआ है, दूध गिर गया। दूध का गिरना अच्छा नहीं होता है। और आज मैं नाश्ते में बना रही हूँ चाउमीन। तो मैं काटी हूँ बंधा, शिमला मिर्च, प्याज और आलू। और आज मेरे पास गाजर नहीं है तो बिना गाजर का ही चाउमीन बनाऊँगी। और अभी अंशु नहा रहा है तो चलिए मैं फटाफट बनाना शुरू करती हूँ। तो पहले मैं बादाम भून के निकाल लूँगी क्योंकि चाउमीन में बादाम डालकर बनाने से चाउमीन का टेस्ट बढ़ जाता है, क्योंकि एक एक बादाम अच्छा लगता है। तो मैं जब भी बनाती हूँ तो थोड़ा सा बादाम पहले फ्राई करके निकाल लेती हूँ, उसके बाद सारा सब्ज़ी फ्राई करके और सबसे लास्ट में चाउमीन डालने के बाद मैं बादाम डाल देती हूँ। तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ और कौन कौन ऐसे बनाते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मेरा चाउमीन बनकर बिल्कुल रेडी हो गया है, बस मिक्स करेंगे हो गया। और बच्चों को तो वेजिटेबल खिलाना बहुत ही अच्छा है लेकिन बच्चे खाते नहीं हैं, ज़्यादा मैगी चाउमीन ही पसंद करते हैं। लेकिन मैं मैगी कम बनाती हूँ लेकिन चाउमीन बराबर बनाती हूँ, क्योंकि इसमें गाजर वाजर रहता है और आलू शिमला मिर्च ये सब। तो चाउमीन रेगुलर बनाती हूँ और अंशु खाएगा भी यही और लेके भी जाएगा। तो मैं इसे अच्छे से मिक्स कर देती हूँ और चलिए अब उसको फटाफट रेडी कर देते हैं। तो अंशु स्कूल के लिए रेडी हो गया है और गाड़ी का इंतज़ार कर रहा है, बस गाड़ी आती ही होगी। और यहाँ का मौसम बहुत अच्छा है, आज बारिश नहीं हो रही है, नहीं तो इधर 4-5 दिन से बहुत बारिश हो रही थी। लेकिन ऐसा लग रहा है आज धूप भी नहीं होगा। और अंशु का भी गाड़ी आ गया है तो अब ये जा रहा है नीचे। डेली नीचे चले जाता था लेकिन अभी बहुत नीचे डॉगी रहता है, तो मैं बोलती हूँ कि अभी ऊपर ही रहो, जब गाड़ी आ जाएगा तब नीचे जाना। तो गाड़ी आ गई है और ये अब जाएगा स्कूल। तो आएगा अब 2:30 बजे। तो अभी अब हो गया है 7:25, आज थोड़ा गाड़ी इसका लेट हो गया है और अभी आरब छो ही रहा है। तो
तो मैं अब जा रही हूँ, फटाफट जो भी होगा किचन का काम सब ख़त्म कर लेंगे। और दोनों भाई रहता है तो थोड़ा ज़्यादा बदमाशी होता है, लेकिन अभी आरव अकेले रहेगा तो आराम से टीवी देखेगा और जो भी मेरा काम होगा वो हम सब कर लेंगे। तो चलिए दोपहर की खाने की तैयारी करते हैं और फिर मैं इसी के साथ आज मैं अपनी ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट डे नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।